हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक। तो फ्रेंड, आज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहां पे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट सस्टेन होते हुए 280 रुपये के आसपास जाता है, लेकिन आज के दिन आपको फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 2.5% के आसपास अभी फिलहाल हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या करना चाहिए अब आगे, इस पर हम करेंगे चर्चा। तो फ्रेंड, यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा, यदि इस ब्रेकआउट को आपने प्ले किया है, इस ब्रेकआउट के बाद यदि आपने बाइंग किया है, तो आपको अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन उस होल्डिंग को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस आपको रखना है, इस पर हम कर लेते हैं चर्चा। तो फ्रेंड, यहां पर आप देखिएगा, आपके सामने यहां पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहां पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है, जिसे हमने यहां पर कर दिया है हाईलाइट। अब आप देखेंगे यहां पर 260 रुपए के नीचे स्टॉक आया और गिरावट कहां तक की, तो यहां पर लगभग लगभग आप देखेंगे 210 रुपए के कुछ नीचे तक स्टॉक आता है। फिर से स्टॉक के अंदर आपको तेजी देखने को मिली और यहां से स्टॉक 260 रुपए के ऊपर तक आपको जाता हुआ दिखाई दिया। फिर से स्टॉक में गिरावट होती है, एक बार फिर स्टॉक यहां पर 200 रुपए तक आया। ये देखिएगा, 200 रुपए तक आने का स्टॉक में हल्की फुल्की तेजी दिखाई देती है और एक बार फिर से स्टॉक नीचे करेक्शन करता है, कहां तक का, 200 रुपए तक का। यहां से स्टॉक में आपको फिर से तेजी देखने को मिली और 250 रुपए के ऊपर जाने के बाद, ये देखिएगा, 250 रुपए के ऊपर जाने का स्टॉक में आपको फिर करेक्शन दिखता है और यहां से स्टॉक के अंदर आपको फिर से तेजी दिखाई दी और ये तेजी स्टॉक को 260 रुपए तक लेकर के आती है और एक बार फिर स्टॉक गिरता है, कहां तक, लगभग लगभग 220 रुपए तक। फिर से आपने कंसोलिडेशन यहां पर देखा और गिरावट कहां तक हुई, 210 रुपए तक। ये देखिएगा, यहां से स्टॉक ऊपर की तरफ चलते चलते फिर से कंसोलिडेट करता है। कहां पर हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं 260 रुपए जो कि इसका मेजर रेजिस्टेंस है। ये देखिए, यहाँ पर रिजेक्शन देखा, यहाँ पर रिजेक्शन देखा और यहाँ से ब्रेकडाउन देखा था, ये मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा था और अचानक से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ प्रॉपर, और इस प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद आज के दिन आपको फिर से स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी कहूँगा, यदि इस ब्रेकआउट पर आपने बाइंग किया है तो आपको होल्डिंग कंटिन्यू करना होगी और आपका जो स्टॉप लॉस है वो नीचे की तरफ कितना होगा, यदि आपकी बाइंग 260 रुपये की है, 260 रुपये के ऊपर आपने बाइंग किया था, यहाँ पर होल्डिंग करेंगे पोजिशन को नीचे की तरफ 255 रुपये स्टॉप लॉस से, किस चीज़ के लिए, जिन्होंने ऑलरेडी यहां पर बाइंग किया हुआ है, यहां पर कल के दिन ब्रेकआउट में बाइंग किया हुआ है। और जो लोग फ्रेश एंट्री का भी सोच रहे हैं, उनके लिए भी स्टॉप लॉस एज इट इज रहेगा 255 रुपए का। अब बात करते हैं टारगेट की। तो फ्रेंड, यदि यहां पर आप बाइंग कर रहे हैं 270 के आसपास या फिर इसके पहले भी कर चुके हैं, तो 255 रुपए आपका स्टॉप लॉस है और ऊपर की तरफ बात करें तो 300 रुपए का आपको यहां पर टारगेट देखने को मिलेगा आने वाले कुछ ही दिनों में। अब उसका कारण क्या है वो हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा, ये सारी ड्राइंग हमने इरेज कर दी। अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि इसके अंदर 300 रुपये का यहाँ पर टारगेट क्यों निकल करके आ रहा है। ये देखिएगा, इसके पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिखाई दिया आपको, वही वाला चार्ट यहाँ पर आप देखिएगा, जरा डेकलस्टिक पैटर्न चार्ट, जैसे हम फिर से हाईलाइट करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि 300 रुपये के आसपास पहले भी रेजिस्टेंस स्टॉक यहाँ पर ले चुका है। तो यहाँ से स्टॉक क्या हुआ था, रिजेक्ट हुआ था, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टारगेट अपना सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, क्या टारगेट होगा, 300 रुपये। क्या स्टॉप लॉस होगा आपका, नीचे की तरफ 255 रुपये का। तो फ्रेंड, ये था हमारा टेक्निकल व्यू हिंदुस्तान पेट्रोलियम शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video.